अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और अभी जी मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और बेटी के लिए। तो मैंने एक एग फ्राई कर लिया था और साथ में दो तीन टूटे फूटे स्लाइस जो है ना वो ब्राउन ब्रेड के थे मेरे पास, उनको भी सेक लूँगी। और चाय भी साथ में बन रही है और दूध भी बॉयल हो रहा है। और आजकल फॉग इतनी ज़्यादा हो रही है, ये मौसम अच्छा तो बड़ा लगता है क्योंकि साल बाद आता है और कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन वहीं पे ये ट्रैवल करने वालों के लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। तो प्लीज़ जैसे कहते हैं ना न्यूज़ में कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। बस अल्लाह सब पे अपना रहम करे। तो जी यहाँ पर मेरी चाय हो गई रेडी। सर्दियों में ना मैं अपनी वीडियोस में चाय के क्लिप ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है चाय को देखना इतनी धुंध और सर्दी में। और जो टी लवर होते हैं स्पेशली उनको तो मज़ा आ जाता है। तो जी बस चाय मैंने पी ली थी, मैंने और उस्मा ने चाय पी ली थी, तो मेरी बेटी ने चाय नहीं पी थी, अभी वो अपनी चाय खुद बना रही है। और यहाँ पे जी मैं अपने काम शाम स्टार्ट कर दिए मैंने। तो पहले तो मैं ये गार्बेज बैग जो है ना ये डस्टबिन में लगा दूँगी। और उसके बाद जी अभी मैंने ली थी सब्ज़ी, तो मैं क्योंकि मेरी बेटी ने चाय बनाई है और वो थोड़ी सी उसने मुझे भी दी थी, तो मैं उसकी तारीफ़ करी थी कि आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है। तो वाकई चाय बहुत अच्छी बनाई थी इसने, क्योंकि मैंने साथ खड़े होकर सारी इंस्ट्रक्शन इसको बताई थी कि बेटा ऐसे 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 चाय बनानी है, तो बहुत अच्छी चाय बनाती है। और वैसे भी जो भी बनाती है, कभी पास्ता बना लेती है या कभी कुछ भी, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो वो कहते हैं ना हाथ का टेस्ट का पता चल जाता है, तो माशाल्लाह मेरी बेटी के हाथ में टेस्ट है, बहुत अच्छा बनाती है। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी मैंने आज ली थी, शलजम और मटर लिए थे, तो मैंने सोचा शलजम और मटर की भुजिया बना लेती हूँ। शलजम और मटर ना बस मेरे फेवरेट हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, स्पेशली ये पराठे के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल मैं पराठे अवॉइड कर रही हूँ तो मैं खा नहीं सकती, लेकिन ये है कि रोटी के साथ भी थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी, अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे बस फटाफट काम कर रही हूँ क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर अंदर बाहर का करके ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने रख लिया पानी, क्योंकि सबसे पहले मैं शलजम और मटर को मैं बॉईल करूँगी, स्पेशली भुजिया बनाने के लिए इनको मैं लाजमी बॉईल करती हूँ। और पानी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि पानी जो भी बचेगा इसमें वो भी सारा इसमें चला जाएगा, हांडी में चला जाएगा, मतलब मैं पानी इसका वेस्ट नहीं करूँगी। और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि आटा नहीं रखा हुआ था तो आटा मैंने निकाला। और मैंने दही जमाई थी एक दो दिन पहले ही, तो आपको पता है कि मैं इंस्टेंट पॉट में ही दही जमाती हूँ। और बल्कि जो मेरे पास गेस्ट आई थी US से, वो कह रही थी तुम तो सिर्फ दही ही जमाती हो इसमें इंस्टेंट पॉट में, और तुम कुछ भी नहीं करती। मैंने कहा मुझे अभी तक ना इसको चलाना भी नहीं आ रहा, तो मैं अब चलाऊंगी, मुझे यही डर रहता है कि कहीं ख़राब ना चीज़ हो जाए। तो बहरहाल अब मैं इसमें राइस बनाऊंगी, मुझे किसी ने कहा है कि राइस बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, मैं दही का पानी ना वेस्ट नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर है दूध पतला होता है और पानी तो ऊपर निकल ही आता है थोड़ा बहुत, तो मैं वो पानी फिर गिराती नहीं हूँ, मैं फिर वो आटे में डाल देती हूँ। और इतनी मज़े की नरम नरम रोटियाँ बनती हैं ना, बहुत अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं। बस ये आटा यहाँ पर फटाफट से गूंद लूँगी। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, मैं आटा गूंद के ना थोड़ा सा गूंद लेती हूँ, फिर उसको रख लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट पे, फिर उसको दोबारा गूंदती हूँ। एक तो वो नरम हो जाता है और बड़ी जल्दी गूंदा जाता है, आपका टाइम भी कम लगता है। तो बस मैंने उसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पर साथ के साथ मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। शलजम
शलजम और मटर गल चुके थे, तो अब मैंने यहाँ पे रख लिया जी बर्तन, और क्योंकि सालन थोड़ा सा था तो ये बर्तन मुझे काफ़ी हो जाना था। तो जी सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया ऑयल, इसके बाद मैंने दो टमाटर रफली चॉप कर दिए थे, एक प्याज रफली चॉप कर दिया था, क्योंकि भुजिया बननी है तो ये उसमें पत्ता भी नहीं चलेगा और गल जाएंगे, पक जाएंगे। साथ ही मैंने एक छोटा टेबलस्पून डाल दिया था अदरक और लहसुन का, साथ ही एक टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और थोड़ी सी ही मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, बाकी मैं इसमें ग्रीन चिलीज जो है ना वो क्रश करके डालूंगी। तो ग्रीन चिलीज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे इस तरह की लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्योंकि जब हम इस तरह की भुजिया टाइप बना रहे होते हैं ना उसमें ग्रीन चिलीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ग्रीन चिलीज़ को मैं यहाँ पे कट करके ये भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, थोड़े से बचा लूँगी बस ऊपर डालने के लिए। बस जी साथ ही चला गया इसके शलजम भी और मटर भी, साथ में थोड़ा सा पानी रह गया था क्योंकि गले में ही सारा निकल गया पानी, तो इसको मैं यहाँ इस तरह से ना मैश कर लूँगी स्पैचुला की मदद से, नहीं तो मैं वो जो पोटैटो मैशर होता है ना उससे भी मैश करती हूँ, लेकिन फिर उससे ये हो जाता है कि मटर भी साथ में ही मैश हो जाते हैं। तो बस जी वहाँ अब स्लो आँच पे वो कुक हो रहा है, तो यहाँ पे आ गई थी मैं फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि फ्रिज में छोटा 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 ना काफ़ी चीज़ें बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा चेक करूं जो चीज़ पुरानी है या ख़राब हो रही है उसको फेंक दूं और थोड़ी सी सेटिंग करके रख लूं, वो इसलिए क्योंकि मैंने अब नई चीज़ें और नई ग्रॉसरी करके आनी है, तो वो उसके लिए फिर मुझे जगह भी बनानी होती है। तो सबसे पहले मैं फिर फ्रिज भी देख लेती हूं, थोड़ा सा किचन को भी देख लेती हूं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सी ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें भी बहुत आ जाती हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत आ जाती हैं जो कि पुरानी हो जाती हैं और फिर उस तरह मज़ा नहीं आता है। तो बस चीज़ की पहले मैं फ्रिज की सेटिंग कर लूँगी। बस जी 10 से 15 मिनट लगे और फ्रिज जो है वो क्लीन हो गया था, और इस तरह के छोटे मोटे काम जो होते हैं क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे हैं और काम ज़्यादा होते हैं, तो बस आप सोचा काम करें और काम में बस लग जाया करें कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, कर लें, अच्छी सी स्वेटर पहनें, साथ में शॉल लें, कोई बंद शूज़ पहन लें और बस काम में लग जाएं। आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे में ही आपके सारे काम हो जाएंगे, आपका घर भी क्लीन होगा और ये जो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन रहती है ना वो भी आपके साथ रहेगी, और आपको खुश खुश रहेंगे, अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगी। तो जी यहाँ पे गल चुके मेरे, ये तो खैर गल ही चुके थे, अब इसका पानी जैसे ही ड्राई होगा और ऑयल थोड़ा सा ऊपर आएगा तो बस ये डन हो जाएंगे। साथ साथ मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैश कर रही थी, क्योंकि भुजिया का मतलब यही है कि बिल्कुल भुजिया टाइप हो जाए, बिल्कुल मैश हो जाए। थोड़ी सी चीनी मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि शलजम में चीनी पड़ती है, क्योंकि इसका ज़रा ना कसेला सा टेस्ट होता है, वो ज़रा बैलेंस हो जाता है। और आज जी मनाल बना रही है रोटियां, खैर से तो मैंने कहा बेटा छुट्टियां हैं तो ज़रा काम शाम सीखो, अब आ जाओ, क्योंकि झाड़ू वगैरह शाम का तो उसके ज़िम्मे मैंने लगाया हुआ है, वो तो करती है। रोटी इसको मैंने बहुत पहले सिखाई थी, लेकिन क्योंकि बीच में वो बनाना उसने छोड़ दी, तो फिर अब रोटी उसको नहीं आती, तो दोबारा से अब सीख रही है। पेड़ा बनाना मैंने उसे सिखाया, तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बच्चे सीख ही जाते हैं, और ये उम्र बड़ी परफेक्ट होती है घरों के काम सिखाने के लिए, क्योंकि बचपन भी बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए, 11-12 साल तक आप उसको बचपन एंजॉय करने दें, उसके बाद सिखाने वाला प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि हर किसी का अपना माइंड होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस एज में जाके बच्चियों को स्पेशली घरदारी जो है ना वो सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, तो इसलिए अब मैंने इससे लगा दिया रोटियों पर। तो मैंने कहा भाई अब तुम बनाओ रोटियाँ, और चाय तो वैसे भी वो सीख गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चाय बनाती है, और मैं दूसरी बार तारीफ़ कर रही हूँ इसलिए कि वाकई बहुत अच्छी, मुझसे भी अच्छी चाय बनाई थी उसने,
और यहाँ पे बस ये रोटियाँ बना लेगी। बेलना नहीं आ रहा था तो मैं उसे बेलना भी सिखा रही थी। चलें जी, सारे काम शाम हो गए और बस मैंने खाना वाना बना लिया है। अम्मी ने आना है इसलिए उनके लिए रोटियां बना के रख ली हैं, और अभी मैं जाऊंगी चेज़अप, कुछ सामान लेना है। तो ये मुझे जी रिसीव हुआ था गिफ्ट, मैं आपको ये दिखा दूं। और ये एक चैनल है जी उमस वर्ल्ड के नाम से। मैं वैसे किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करती, लेकिन वो जो लेडी हैं वो इतनी नाइस हैं, इतनी सोबर, इतनी सोफेस्टिकेटेड, इतनी वेल मैनर्ड, और मैं क्या उनकी तारीफ़ करूँ। आप खुद जाके देख सकते हैं, माशाल्लाह से उनका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं। उन्होंने मुझे भेजी है ये शॉल, खूबसूरत सी ग्रे कलर की, और मेरे पास इस कलर की थी भी नहीं। इस्लामाबाद में रहती हैं, वहीं से उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, और मैं आपको थोड़ा सा ओढ़ के दिखा देती हूँ। इसके साथ अब मैं बनाऊंगी जोड़ा, इसके साथ बनाऊंगी जोड़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, उमस वर्ल्ड के नाम से उनका चैनल है, उनका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए उनका काम, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे तरीके से बात करती हैं और बहुत नाइस वुमेन है। तो उनके चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। अब मैं चाहूँगी यहीं पे आपसे इजाज़त, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।